आज हम नोएडा लोकमंच के दवा बैंक में हैं और हमारे साथ हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो सर, आप थोड़ा सा पहले अपने विषय में बताइए कि आपकी क्वालिफिकेशन, स्पेशलाइजेशन और आपका जो एक्सपीरियंस है वो कहाँ कहाँ पे रहा है। मेरा नाम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है और पिछले 40 साल से नोएडा में ही अपनी ओन प्रैक्टिस कर रहा हूँ और संस्था से कहीं जुड़ा हूँ, लेकिन आज की डेट में मैं नोएडा लोकमंच से जुड़ा हूँ जो दवा बैंक में आज की डेट में ये सेवा दे रही है। और यहाँ हम फ्री दवाइयों का वितरण करते हैं और पेशेंट को हम देखते भी हैं, दवा भी देते हैं। तो सर, यहाँ पे किस किस तरह के पेशेंट्स आते हैं, कौन कौन सी कॉमन जो बीमारियाँ हैं वो बताते हैं पेशेंट्स आपको। ज़्यादातर पेशेंट सीजनल आते हैं, खांसी, नज़ला, जुकाम, थायराइड, बीपी, शुगर, इस तरह के कॉमन पेशेंट ही ज़्यादा हैं और सीजन वाले पेशेंट हैं। और जो पेशेंट हमारे पास जो बाहर से इलाज कराते हैं, वो किसी बीमारी का हो, कोई भी दवा हो, उस दवा को भी हम पेशेंट को देते हैं। जी, तो दवाओं के आपसे जैसे मेरी चर्चा हुई, आपने दो सोर्स मुझे मेनली बताए हैं कि कुछ दवाइयाँ तो डोनेशन से आती हैं और कुछ आप परचेज करता है नोएडा दवा बैंक, नोएडा लोकमंच के माध्यम से। तो लगभग लगभग कितने प्रतिशत दवाइयों की आपूर्ति फ्री में हो जाती है पेशेंट्स को। देखिए, जो फ्री की दवाइयाँ हैं, जो निःशुल्क दवाइयाँ हमको डोनेशन में आती हैं, वो हमारी 60% तक जी हमको डोनेशन में मिल जाती हैं। 30-40% कुछ ऐसी दवाइयाँ हैं, सीजनल दवाइयाँ हैं, जो हमको डोनेशन में नहीं मिलती या बहुत कम क्वांटिटी में मिलती है, तो वो हम दवा परचेज करते हैं ताकि पेशेंट को दवा हम रेगुलर दे सकें। जी और कोशिश यह है कि कोई मरीज यहाँ से निराश ना जाए। तो नोएडा लोकमंच ने एक ऐसा माध्यम प्रदान किया जिससे उन्होंने एक इतने अनुभवी डॉक्टर को संपर्क कराया उन लोगों से जो वंचित वर्ग के लोग हैं, जिनको ये अपेक्षा रहती है कि आज की जो आधुनिक चिकित्सा सुविधाएं हैं वो बहुत महंगी हैं, जिनको वो किसी प्रकार से अफोर्ड नहीं कर सकते। तो सर, एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न आपसे मैं करने जा रहा था कि पेशेंट्स तो आपके पास आते ही हैं, आप दवाइयाँ भी देते हैं, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है आज का लाइफस्टाइल। तो क्या आप उनको अवेयरनेस भी देते हैं, जानकारी भी देते हैं कि किस तरह से हेल्दी रहा जाए। ये मैं पूरी बात पेशेंट को बताता हूँ कि हेल्थ के लिए हमें क्या करना, क्या नहीं करना। खाने पीने के साथ साथ फिजिकल भी करना बहुत ज़रूरी है। और आप कुछ नहीं कर सकते तो मैं कहते वॉक करिए, वॉकिंग करिए। और जब भी समय मिले, जब भी चलें, सुबह चलें, दोपहर को चलें, बिफोर द डिनर चलें। अब ऐसा नहीं है कि सुबह ही चलना है, जब भी समय मिले आपको चलना है। दूसरा ये है कि मैं सबसे चीप एंड बेस्ट है कि आप मौसम की सब्जियां, मौसम के फल आपको खाने हैं, ये मैं हेल्दी डाइट है। आप नॉर्मल खाना खाइए, आपको ड्राई फ्रूट की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको बहुत ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ज़रूरत है सीजन की सब्जी और सीजन के फल। जी आप हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है, ये सस्ते भी हैं, अच्छे भी हैं और अवेलेबिलिटी है, आराम से मिल जाते हैं। ज़्यादातर जो पेशेंट्स हैं वो गरीब तबके से यहाँ आते होंगे, तो उनकी कैसी भावनाएं होती हैं जब उनको यहाँ पर एक अच्छा उपचार मिलता है। मुझे तो सबसे ज़्यादा खुशी उस पेशेंट से ज़्यादा मुझे होती है जब मरीज़ ये कहता है कि डॉक्टर साहब, मैं आपकी दवा से ठीक हो गया हूँ, ठीक हो रहा हूँ। और वो पेशेंट जो पैसे के अभाव में बहुत सारी दवाइयाँ नहीं ले पाता, शुगर की है, बीपी की, थायराइड की है, और उन पेशेंट से कहता हूँ भाई, आप दवाई यहाँ से लेते रहिए, जब तक हम आपको दवा देते रहेंगे आप लेते रहना, दवा ब्रेक मत करना। मरीज खुश हो जाता है क्योंकि उसके पैसे बचे, कह रहे मेरे पास पैसे ही नहीं थे, आपने मेरे 500 रुपये, 200 रुपये, 100 रुपये बचा दिए, जो मैं परचेज करके लाता वो मेरे मुझे अब पैसे खर्च नहीं करने पड़ रहे और आपकी दवा से मैं ठीक हूँ, पैसे भी बचे हैं और मैं ठीक हो रहा हूँ। तो इससे बड़ी खुशी डॉक्टर को कुछ हो नहीं सकती। तो आपके पास यहाँ पे किस किस आयु वर्ग के पेशेंट्स आते हैं और उनमें आप किस तरह के लाइफस्टाइल डिसीजेज आप देखते हैं। मेरे पास हर एज का पेशेंट आता है, बच्चा भी, यंग भी और बूढ़ा भी आता है, लेकिन ज़्यादातर मैं ये देख रहा हूँ कि नई जनरेशन को वीपी, शुगर, थायराइड, ये तीन बीमारियाँ बहुत ज़्यादा फैल रही हैं, बढ़ रही हैं। और आज की डेट में तो जो लेबर है, मैं जब उसका रैंडम शुगर कराता हूँ तो उसका शुगर बड़ा मिलता है, जबकि वो तो मेहनत मजदूरी करने वाले को शुगर हो रही है। तो ये बहुत समझ के बाहर चीज़ चली आ रही है कि एक पहले तो ये बीमारी बड़े लोगों को होती थी, वीपी शुगर, आज मजदूर, छोटे छोटे काम करने वाले लोगों को ये बीमारियाँ बहुत कॉमन होती जा रही है।
तो इसके लिए हमें बहुत कुछ काम करना पड़ेगा, बहुत जागरूक लोगों को करना पड़ेगा, अपने खाने पीने का लाइफ स्टाइल बदलना पड़ेगा। अब हमारा खाना ही ऐसा हो गया है कि क्या खाएं और क्या ना खाएं, ये बहुत मुश्किल है इस क्वेश्चन का जवाब देना। जी, तो ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि दवाइयों के साथ साथ उनको एक मार्गदर्शन भी मिलता है पेशेंट्स को, और कम उम्र में अगर बीमारी बढ़ती है तो न केवल वो इस जनरेशन को बल्कि जो आगे आने वाली जनरेशन है, जो उनके बच्चे होते हैं, उनमें भी उस बीमारी का असर पड़ता है। तो इस जिसको हम विशेष सर्कल बोलते हैं, बीमारी का दुष्चक्र को तोड़ना बहुत ज़रूरी है। आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा, आपने अनेक प्रश्नों के उत्तर दिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।